नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ अभिनव। बीती शाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। कई खिलाड़ी ऐसे हुए जो टीम में शामिल हुए और कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया। अब वर्ल्ड कप से ठीक पहले एमएसके प्रसाद और उनकी टीम ने क्या रखा स्कीम ऑफ थिंग्स में वर्ल्ड कप के, ये तो वही जो बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत अनफेयर कुछ खिलाड़ियों के साथ हुआ है। हाल ही में एमएसके प्रसाद ने यह भी बयान दिया है कि उन्होंने उन 18 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है जो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, यानी कि 15 जो मेन होंगे और 3 बैकअप। अब वो 3 बैकअप कौन होंगे, वो जाहिर सी बात है 16 खिलाड़ी के रूप में दिनेश कार्तिक भी हो सकते हैं। अब देखना होगा कि कौन सी टीम भारत के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। जाहिर सी बात है कि ये टीम शायद वर्ल्ड कप के लिए उतनी तैयार लग नहीं रही है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के लिए बीती शाम टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा झटका लगा। जी हां, आपको बता दें कि हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि इस बार तो कम से कम वनडे और टी20 सीरीज़ में युवराज सिंह की वापसी हो जाएगी। हालांकि युवराज सिंह जिस तरह की फॉर्म में हाल ही में नज़र आए थे, ये लगभग तय भी माना जा रहा था कि युवराज की वापसी हो जाएगी, लेकिन यहां पर चयनकर्ताओं ने एक बार फिर युवराज के सपनों को चकनाचूर कर दिया। साफ तौर पर चयनकर्ताओं ने बता दिया कि युवराज सिंह उनकी सोच में दूर दूर तक नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि 5 चयनकर्ता जिन्होंने कुल मिलाकर 13 टेस्ट मैच भी नहीं खेले, वो भारत की विश्व कप की टीम को डिसाइड करेंगे, तो कैसे अच्छे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है। साथ ही युवराज के लिए भी माना जा रहा है कि अब करियर उनका खत्म हो चुका है, क्योंकि अब सीधा आईपीएल है, और अगर युवराज आईपीएल में बड़ा प्रदर्शन करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके कान में जूरेंगे कि चयनकर्ताओं के, लेकिन अब तक युवराज सिंह चयनकर्ताओं की सोच में दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में युवराज सिंह का जो विश्व कप का सपना तोड़ा है चयनकर्ताओं ने, वो वाकई में ख़राब है। फैंस ने भी इस बात की आलोचना की है। आलोचना इसलिए भी हुई है क्योंकि केएल राहुल जैसे आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 फरवरी से वनडे और टी20 सीरीज शुरू हो रही है। ऐसे में टी20 और शुरुआती 2 वनडे मैचेस के लिए टीम से भुवनेश्वर कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि कहीं पर भी बीसीसीआई ने यह मेंशन नहीं किया कि भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट दिया गया है। दरअसल भुवी ने पिछले 2 महीनों में वनडे क्रिकेट खेली है लेकिन टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। ऐसे में उनको आराम दिए जाने की बात तो कहीं से भी सही नहीं थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को आखिर बाहर क्यों किया गया, इस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। दरअसल क्या भुवी अब पहली चॉइस नहीं रहे हैं, क्योंकि बड़ी वजह भी ये सामने आई है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ऐसे में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी ने भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे में भुवी और बुमराह की जोड़ी को तोड़कर शमी और बुमराह की जोड़ी को लाना क्या सही होगा, और क्यों आखिर चयनकर्ता की सोच में शुरुआती 2 वनडे मैचेस में भुवनेश्वर कुमार नहीं है और सिद्धार्थ कौल को शामिल किया गया। कहीं ना कहीं अब चयन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि भुवनेश्वर को बाहर करने का रीजन क्या बताते हैं चयनकर्ता। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान बीती शाम बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद द्वारा कर दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर दिनेश कार्तिक की वनडे टीम से छुट्टी कर दी। शुरुआती 2 वनडे और अगले 3 वनडे मैचों के लिए दिनेश कार्तिक अवेलेबल नहीं रहेंगे। साफ तौर पर दलील ये दी गई कि ऋषभ पंत को मौका दिया जाना चाहिए था, इस वजह से ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया, और दिनेश कार्तिक अभी भी वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, यानी कि अभी भी दिनेश कार्तिक के लिए टीम में जगह है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज में आखिर दिनेश कार्तिक इस स्क्वाड में क्यों नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट की सोच में ऋषभ पंत आगे हैं और ऋषभ पंत को ग्रूम करने के लिए उन्हें आराम दिया गया था, और यह साफ तौर पर एमएसके प्रसाद ने टीम के ऐलान करने के बाद यह घोषणा की, यानी कि दिनेश कार्तिक का पत्ता अब टीम से कट चुका है। दिनेश कार्तिक को शायद वर्ल्ड कप का टिकट भी ना दिया जाए, लेकिन यह एक खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि 1 साल से जो खिलाड़ी आपके लिए परफॉर्म कर रहा है और आप आते ही आखिरी सीरीज से अगर उसको बाहर देंगे तो यह बीसीसीआई के चयनकर्ताओं की सबसे बड़ी भूल होगी। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का बीती शाम ऐलान कर दिया गया, जहां पर कई खिलाड़ियों को मौका मिला तो कई खिलाड़ियों को आराम दिया गया, वहीं कई खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई। इसमें एक नाम ऐसा था जिसने हर किसी को चौंका दिया जो टीम में नहीं शामिल हुआ, और वो नाम है कुलदीप यादव का। जी हाँ, कुलदीप यादव को टी20 और शुरुआती दो वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि कुलदीप यादव को आराम दिया गया क्योंकि उन्होंने पिछले कई महीनों में बड़ी क्रिकेट खेली है। अब कुलदीप यादव को आराम दिया गया या फिर मयंक मार्कंडे को डेब्यू कराना था, ये तो BCCI चयनकर्ता ही बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से चयन कर रहे हैं वाकई में लग रहा है कि ये स्कूल टीम का चयन कर रहे हैं, क्योंकि कुलदीप यादव ने इतनी ज़्यादा भी क्रिकेट नहीं खेली है कि आप उनको आराम की सलाह दे दें। अब देखना होगा कि चयनकर्ता किस तरह से कुलदीप यादव को मौका देंगे। कुलदीप यादव वैसे भारत के लिए वर्ल्ड कप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि चहल और कुलदीप की जोड़ी ने जमकर धमाल मचाया। अब देखना होगा कि ये जोड़ी क्या भारतीय टीम को जीत दिला पाती है वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए बीती शाम BCCI ने ऐलान कर दिया टीम का। बड़ी बात यह रही कि विश्व कप से पहले बेहतर तैयारियों के लिए कई खिलाड़ियों को मौका दिया गया और कई खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई। हालांकि टी20 सीरीज में एक ऐसे खिलाड़ी को रखा गया जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको खुद को विश्वास नहीं हुआ कि उनको मौका कैसे मिल गया। दरअसल कुलदीप यादव को टी20 सीरीज से आराम दिया गया है और उनकी जगह शामिल हुए हैं पंजाब के मयंक मार्कंडे। मयंक मार्कंडे ने मुंबई इंडियंस के लिए पिछले सीजन में बेहतरीन धमाल मचाया था और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन गेंदबाजी भी की थी। इस वजह से मयंक मार्कंडे को मौका मिल गया टी20 सीरीज में, यानी कि टी20 सीरीज में अब मयंक मार्कंडे चहल के साथ जोड़ी बनाते हुए नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि भारतीय पिचेस पर मयंक मार्कंडे का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है, ऐसे में उनको मेडन कॉल अप तो जरूर मिलना ही चाहिए था। अब देखना होगा कि मयंक मार्कंडे टी20 सीरीज में क्या प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाली घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान बीती शाम को कर दिया गया, जिसके बाद जमकर बवाल मचा। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम में प्रदर्शन की बात चल रही है, लगातार ये कहा जाता रहा है कि प्रदर्शन एक ऐसा मानक है जो खिलाड़ियों को टीम में जगह दिलवाएगा, लेकिन जिस तरह से चयन किया गया है वहां पर तो नहीं दिख रहा कि प्रदर्शन कहीं से भी मानक है, क्योंकि पिछले एक साल से खराब फॉर्म से जूझ रहे KL राहुल ने सिर्फ 2 नॉक अच्छी खेली और उसके बाद उनको टीम में दोबारा शामिल कर लिया गया। ऐसा लगा कि चयनकर्ता इंतजार कर रहे थे कि बस राहुल 70-80 बना दें और उनको हम टीम में शामिल कर लें। सवाल यह भी उठ रहा है कि पिछले 1.5-2 सालों में जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है, जैसे दिनेश कार्तिक और बाकी खिलाड़ी, उन्हें टीम में क्यों शामिल नहीं किया गया और KL राहुल को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। KL राहुल इंग्लैंड दौरे से भारत के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लगातार ऑस्ट्रेलिया में भी फ्लॉप रहे, स्टार की बॉल तो वो छू भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में KL राहुल को क्या टीम में शामिल करना सही है? क्या सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट का मानक ही भारत में ऐसे खिलाड़ियों को एंट्री करा सकता है? अब देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता जो निशाने पर आए हैं वो इस बात का क्या जवाब देते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज में वापसी कर चुके हैं ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत को दोनों टी20 और पांचों वनडे के लिए टीम में चुन लिया गया है। स्टैंड बाई विकेट की के तौर पर वो वनडे टीम में धोनी के बाद शामिल किए गए हैं, वहीं कार्तिक की टीम से छुट्टी कर दी गई है, यानी कि विश्व कप से पहले आखिरी वनडे सीरीज में ऋषभ पंत भारत के लिए वो एक्स फैक्टर होंगे जिसकी बात की जा रही है। साफ तौर पर चयनकर्ताओं ने कहा कि ऋषभ पंत भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ऐसे में ऋषभ पंत को मौका देना कहीं से भी गलत नहीं है। BCCI के चयनकर्ताओं ने यह भी साफ कर दिया कि ऋषभ पंत अगर ग्रूम हो जाएंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो उनका वर्ल्ड कप में चयन लगभग तय हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड कप टीम से पहले ये अल्टीमेटम तो दे ही दिया है यहाँ पर चयनकर्ताओं ने कि ऋषभ पंत का खेलना विश्व कप में लगभग तय है, फिर भले वो रन बनाए या ना बनाए। वैसे ऋषभ के अलावा बाकी खिलाड़ी भी हैं जिनको टीम में मौका दिया गया है और जो रन नहीं बना पा रहे हैं, अंबती रायडू, केदार जाधव और KL राहुल जैसे महासूरमा भी इस टीम में शामिल हैं जिन पर चयनकर्ता लगातार भरोसा जता रहे हैं। ऐसा लगेगा कि यही लोग वर्ल्ड कप जिता देंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए बीती शाम टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया, जहां पर कई ऐसे चौंकाने वाले नाम थे जिन्हें टीम में शामिल किया गया और कई ऐसे चौंकाने वाले नाम थे जिन्हें टीम से बाहर किया गया। ऐसे में ऋषभ पंत की टीम में वापसी को लेकर पहली बार बीसीसीआई के चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। एमएसके प्रसाद ने कहा कि विश्व कप से पहले वो ऋषभ पंत को ग्रूम होने का पूरा मौका देना चाहते हैं। उनके मुताबिक ऋषभ पंत उनकी वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स में शामिल है। हालांकि चयनकर्ताओं ने किस तरह से टीम चुनी ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत अब दूसरे विकेटकीपर की चॉइस बन चुके हैं, कि धोनी के स्टैंड बाय विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत ही खेलते हुए नजर आएंगे और इसकी वजह से यहां पर दिनेश कार्तिक को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। विश्व कप से पहले इस तरह की टीम चुनना चयनकर्ताओं को सवालों के घेरे में ला रहा है। अब क्यों ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को बाहर किया गया? क्योंकि दिनेश कार्तिक एक बल्लेबाज के तौर पर भी खेल सकते थे, लेकिन आखिर बाहर क्यों किया गया इस पर भी अभी तक बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने जवाब नहीं दिया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने आज की ट्रेंडिंग खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करेगी और विश्व कप की राह को आसान करेगी। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना।